हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को बताया जा रहा है कि नेक्स्ट मनी के प्राइम यूजर्स को नेक्स्ट मनी की तरफ से किसी भी होटल बुकिंग पे 4% का कैशबैक दिया जा रहा है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो होटल बुकिंग आपको कहाँ से करना है और किस तरीके से करना है ताकि आप वो 4% का कैशबैक आसानी से प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको जो भी वेबसाइट पसंद है होटल की, उससे आप होटल बुकिंग कर सकते हैं। ओयो, ग्वाइबिगो, ट्रिवागो, जो भी आपको पता है किसी भी वेबसाइट से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के रूप में ग्वाइबिगो का वेबसाइट ओपन किया हुआ है और यहाँ से एक होटल बुकिंग आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप कोई भी एक होटल बुकिंग यूज कर लीजिए, कहीं का भी, आपको जो जगह आप रहना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं एक दिल्ली का होटल बुकिंग यूज करके देखना चाह रहा हूँ। तो आप आइए, चलते हैं, इसको बुक करके देखते हैं कि कैसे आपको 4% कैशबैक मिलता है। मेरे सामने एक जिंजर होटल ईस्ट दिल्ली का आया है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। आपको इसको सिलेक्ट करना है। अब इसमें आप देख रहे होंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कंफर्म बटन आ रहा है। आपके सामने ये जो कंफर्म बटन आ रहा है, इस पे आपको सिलेक्ट रूम जो आ रहा है, सॉरी, सिलेक्ट रूम पे आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आपको एक ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आप जो भी रूम आपकी मर्जी से, जिस तरीके का आपको रूम पसंद है या जिस तरीके का आपको रूम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें रूम सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे सामने 1X स्टैंडर्ड डबल रूम है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मेरे सामने ये कन्फर्म बटन आया है। आप इसको कन्फर्म करना पड़ेगा। आप इसमें एक चीज़ देखिए, कन्फर्म करने से पहले, आप अगर आपके ग्वाइबिगो वॉलेट में बैलेंस है तो आप उस वॉलेट से बैलेंस भी यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉलेट भी बैलेंस आपका यूज हो जाएगा। देन आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि ग्वाइबिगो का जो ऑफ़र है या अदर किसी वेबसाइट का ऑफ़र है, आपको वो भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मनी 4% दे रहा है तो आपका अदर वाला वेबसाइट का ऑफ़र जो चल रहा है उसका ऑलरेडी वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो भी आपको के ऊपर अप्लीकेबल है और वो भी आपको मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे गेस्ट्रो का ऑलरेडी यूज है, गेट सेट गो ऑलरेडी यूज है। यहाँ पर आपका डिस्काउंट जो भी इस वेबसाइट की तरफ से है वो ऑलरेडी यूज है, आप इसको यूज ऑलरेडी है। तो आप देखेंगे कि इसमें ट्रेवल डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। आप ट्रेवल डिटेल्स में आप अपना, जहाँ पर फर्स्ट नाम लिखा है यहाँ पर फर्स्ट नाम लिख दीजिए, लास्ट नेम में लास्ट नेम लिख दीजिए, फ़ोन नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी आपका अपना ईमेल आईडी डालना है। देन आफ्टर आपको ऐसा क्या करना है जहाँ पर कि नेक्स्ट मनी से आपको कैशबैक मिल सके। यहाँ से असली जो चीज़ है जो नेक्स्ट मनी से आपको कैशबैक दिलाएगी, वो यहीं पे आपको करनी है। आप देखेंगे इसमें ये एक पर्सनल वर्ड लिखा हुआ है। इस पर्सनल वर्ड को आप देखेंगे, ये सिलेक्ट किया हुआ है पर्सनल को ब्लू कलर में। आप इसकी बजाय यहाँ पर आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, बिजनेस वाला। आप देखेंगे जैसे ही इस बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं, ये ब्लू हो गया और आपके सामने कुछ और डिटेल्स ये ओपन हो गई हैं, यानी कि जीएसटी नंबर। तो यहाँ पर आपको कंपनी का, यानी कि नेक्स्ट जेन कंपनी का, यानी कि नेक्स्ट मनी कंपनी का आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है। उसके बाद कंपनी नेम है, कंपनी नेम में आपको नेक्स्ट मनी नहीं डालना है, नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंपनी का रियल नेम है, वो नेम है यहाँ पर डालना है। बिजनेस ईमेल आईडी में आपको cmd@nextgenonline.in डाल सकते हैं। कंपनी एड्रेस में आपको कंपनी का एड्रेस डालना है। जीएसटी फ़ोन नंबर की जगह आपको कंपनी का मोबाइल नंबर डालना है। देन आफ्टर ये सब चीज़ें डालने के बाद आपको नीचे जो देख रहे हैं कन्फर्म बटन, जो आपका कन्फर्म बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा, पेमेंट गेटवे पेज पे ले जाएगा। जिस भी मोड से आप अपनी मर्जी से पेमेंट, जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, उस मोड से आपको पेमेंट कर देना है। देन आफ्टर आपको पेमेंट करने के बाद आपको आपका बिल जो है वो मेल आईडी पे मिल जाएगा, जिसको आप होटल में जाके यूज़ कर सकते हैं। देन उस बिल को आपको एक जगह यूज करना है। आप बिल को आप अपनी नेक्स्ट मनी में आइएगा, नेक्स्ट मनी लॉगिन करने के बाद, मेरा लॉग आउट किया हुआ है इसलिए आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा पहले। ये मैं नेक्स्ट मनी लॉगिन करके नेक्स्ट मनी पेज पे आ गया हूँ। अब इसमें आपको ऑफर्स एंड टाई अप से, आपका जो ऑफर्स एंड टाई अप का सेक्शन है, आपको उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद आपका जो प्लस का निशान जो आ रहा है ऑफर्स एंड टाई अप वाला, इसके अंदर इसको ओपन करना है और सेलेक्ट इमेज में जाके आपको अपना बिल्स जो है, जो होटल बुकिंग का जो बिल है वो आपकी मेल पे आया है, उसको आपको टैग फोटो या चूज फ्रॉम गैलरी से उठा के यहाँ पर अपलोड कर देना है। नेक्स्ट मनी उस बिल को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद
आपको 4% कैशबैक आपके नेक्स्ट मनी वॉलेट में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कहीं भी किसी भी कोने में इंडिया के ऑनलाइन होटल बुकिंग कर सकते हैं और उस पर नेक्स्ट मनी की तरफ से 4% कैशबैक ले सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको होटल बुकिंग पे 4% कैशबैक किस तरीके से लेना है ये आपको हेल्प करेगा। थैंक्स ऑफ लॉट। थैंक्स।